आज हम अवमंदित सरल आवर्ती दोलक यानी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बात करेंगे। आप देखते होंगे कि घर्षण या शान बल की अनुपस्थिति में जब कोई कण या दोलक गति करता है तो दोलक के आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के साथ सापेक्ष नियत रहते हैं, परंतु व्यवहार में किसी भी द्रव माध्यम में दोलन गति करने वाले कण पर प्रत्यानयन बल के साथ साथ घर्षण या शयन बल भी कार्य करता है। इसके फलस्वरूप दोलक के आयाम तथा ऊर्जा में लगातार कमी होती है। ऐसे दोलक को अवमंदित सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वायु या द्रव माध्यम में दोलन गति करने वाले कण तंत्र पर दो प्रकार के बल लगते हैं, एक तो प्रत्यानयन बल या जिसको अपन रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, दैट इज एफ आर इज इक्वल टू, प्रत्यानयन बल को डिनोट करेंगे अपन एफ आर से, तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यह बल दोलक पर सदैव संतुलन बिंदु की ओर लगता है और दोलक के विस्थापन एक्स के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ के दोलक का बल नियतांक है। दूसरा बल जो लगता है वो जिसको उसको अपन कहते हैं घर्षण या शयान बल, फ्रिक्शनल और विस्कस फोर्स, और इसको अपन डिनोट करेंगे एफ डी से, तो एफ डी इज इक्वल टू माइनस लेमडा वी। ये बल दोलन में सदैव रुकावट डालते हैं और वेग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पर वी दोलक का वेग और लेमडा अवमंदन गुणांक है। दोलक पर कार्यरत बल एफ इज इक्वल टू एफ आर प्लस एफ डी या एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो अपन कह सकते हैं अवमंदित दोलन का समीकरण होगा, सिंस एफ इज इक्वल टू एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो अपन लिख सकते हैं एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ एम दोलक का द्रव्यमान है तथा टी समय टी पर दोलक का त्वरण डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन एम इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के अपॉन एम एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब इस समीकरण में मैं कह सकता हूँ कि लेमडा अपॉन एम अपन यदि मान लें वन अपॉन टू विच इज इक्वल टू टू आर, और के अपॉन एम को यदि अपन मान लें दिस इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर, तो अपनी इक्वेशन बनेगी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू आर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो। यह समीकरण अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण है। वायु में सरल दोलक का दोलन, स्प्रिंग से लटके भार का दोलन, प्रक्षेप धारामापी जिसको अपन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, में कुंडली का दोलन तथा एलसीआर परिपथ में आवेश का दोलन इत्यादि के अवकल समीकरण उपरोक्त समीकरण के समतुल्य प्राप्त कर सकते हैं। अब इस समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए मैं मान लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू ई रेज टू पावर अल्फा टी, और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर अल्फा टी। इन मानों को रखने पर अपने पास इक्वेशन प्राप्त होगी अल्फा स्क्वायर प्लस टू आर अल्फा प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर अल्फा टी दिस इक्वल टू जीरो। यह समीकरण टी के सभी मानों के लिए यथार्थ है, अतः ई रेस्ट पर अल्फा टी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये शून्य नहीं हो सकता, जिससे अपन कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस टू आर अल्फा प्लस ओमेगा जीरो जीरो स्क्वायर दिस इक्वल टू जीरो, या अल्फा इज इक्वल टू माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर। अल्फा के दो मान होने के कारण अपन गति के अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की गति के समीकरण को का व्यापक हल इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू ए कैपिटल A इंटू ई रेस्टो माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू टी प्लस कैपिटल B इंटू ई रेस्टो माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू टी। यहाँ A और B दो कांस्टेंट हैं, दो नियतांक हैं, जिनके मान दोलक के प्रारंभिक अवस्था में ज्ञात कर सकते हैं। अब R और ओमेगा जीरो की विभिन्न अपेक्षित मानों के लिए तीन महत्वपूर्ण संभावनाएं हो सकती हैं।
तीन कौन कौन सी होंगी? सबसे पहला यदि आर की वैल्यू ओमेगा जीरो से कम हो, दूसरा यदि आर की वैल्यू ओमेगा जीरो के बराबर लगभग बराबर हो, और तीसरा आर की वैल्यू ओमेगा जीरो से बड़ी हो। अपन पहला केस कंसिडर करते हैं जब आर की वैल्यू ओमेगा जीरो से छोटी है। इस केस को अपन कहते हैं न्यू नंबर स्थिति या अंडर डैम्प्ड केस। जब आर की वैल्यू ओमेगा जीरो से छोटी होगी हो और दोलक पर कार्यशील अवमंदन बल का मान इतना कम है कि आर इज़ लेस देन ओमेगा जीरो, तो मैं कह सकता हूँ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस अंडर रूट वन इंटू ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आई ओमेगा। यहाँ अपन को इसको पॉजिटिव रियल पॉजिटिव क्वांटिटी बनाने के लिए अपन ने इसको आई बाहर निकाला है। तो ओमेगा जिसका मान है अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वास्तविक धनात्मक राशि है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? मैं कह सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस आर टी इंटू ए ई रेस्ट पर आईटा ओमेगा टी प्लस बी इंटू ई रेस्ट पर माइनस आईटा ओमेगा टी, या ई रेस्ट पर माइनस आर टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी, और ई इसको अपन लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस आर टी ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस आईटा इंटू ए माइनस बी साइन ओमेगा टी। अब विस्थापन अपन जानते हैं कि वास्तविक राशि है, इसलिए ए प्लस बी तथा आईटा इंटू ए माइनस बी भी वास्तविक राशि होंगी। इसलिए अपन इस समीकरण का और हल निकालने के लिए मैं मान लेता हूँ कि कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू एक्स जीरो साइन साई और आईटा इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स जीरो कॉस साई। और तो अब मेरी ये समीकरण बन जाएगी x इज इक्वल टू एक्स जीरो इंटू रेस्ट ऑफ माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस साई। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलक सरल आवर्त गति करता है और दोलक आवर्तकाल होगा कैपिटल टी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा इंटू दिस इज इक्वल टू टू पाई इंटू टू पाई अपॉन अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अतः अवमंदित दोलक का आवर्तकाल मुक्त दोलक के आवर्तकाल 2 पाई अपॉन ओमेगा जीरो की तुलना में अधिक होता है, अर्थात अवमंदन के कारण आवृत्ति घटती है, परंतु अत्यल्प अवमंदन की स्थिति में ओमेगा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा जीरो। अब इसके आयाम के बारे में बात करें अपन, तो अब अपन अवमंदित दोलक का सरल आवर्ती दोलक का विस्थापन समय आरेख खींचे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो ये ज्ञात होता है कि दोलक का आयाम a इज इक्वल टू एक्स जीरो इंटू ई रेस्ट माइनस आर टी है। यह आयाम समय के सापेक्ष नियत नहीं होता है बल्कि चर घातांकी रूप से कम होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और यदि अपन माने कि t इज इक्वल टू वन अपॉन टू विच इज इक्वल टू टू आर, तो a इज इक्वल टू एक्स जीरो अपॉन ई विच इज इक्वल टू 0.368 एक्स जीरो। तो जितने समय में अवमंदित दोलक का आयाम अपने प्रारंभिक मान का 36.8% रह जाता है, इसे आयाम का विश्रांति काल या एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन कहते हैं। और अवमंदित दोलक के आयाम का विश्रांति काल होगा टो, सपोज टो ए से डिनोट करते हैं तो टो ए इज इक्वल टू टू आर विच इज इक्वल टू टो ए इज इक्वल टू टो विच इज इक्वल टू वन अपॉन आर। सेकेंड केस क्रांतिक अवमंदन स्थिति, यानी जब आर का मान ओमेगा जीरो के लगभग बराबर हो, इसको अपन क्रिटिकली डैम्प्ड केस कहते हैं। जब अवमंदन नियतांक आर ओमेगा जीरो के लगभग बराबर होता है, तो अपन मान लेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर, ये अपन मान लेते हैं एच के बराबर, एच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो इस स्थिति में एक्स का मान हो जाएगा एक्स इक्वल टू ई रेस्टो माइनस आर टी इंटू ए ई रेस्टो एच टी प्लस बी ई रेस्टो माइनस एच टी। इसको एक्सपेंड करें अपन ई को, तो एक्स इक्वल टू ई रेस्टो माइनस आर टी ए इंटू वन प्लस एच टी एंड सो ऑन एंड प्लस बी इंटू वन माइनस एच टी एंड सो ऑन। एच के उपेक्षणीय होने के कारण एच स्क्वायर व उसके अधिक घात के पदों को छोड़ सकते हैं।
तो अपने पास ये इक्वेशन आएगी x इक्वल टू ई रेस टू माइनस आर टी, सपोज दिस इक्वल टू पी प्लस क्यू टी। पी अपन ने मान लिया ए प्लस बी और क्यू मान लिया अपन ने ए माइनस बी इंटू एच। दोलनों के प्रारंभ में समय टी के लघु मानों के लिए विस्थापन का मान समीकरण के द्वितीय पद के उपरोक्त समीकरण के द्वितीय पद के कारण बढ़ता है और फिर टी के उच्च मानों के लिए विस्थापन तेजी से कम होता हुआ शून्य हो जाता है। इस स्थिति में दोलक की गति अदोलनी, जिसको अपन एपेरियोडिक कहते हैं, होती है। इस स्थिति में प्रथम विस्थापन के पश्चात दोलक न्यूनतम अवस्था में प्रारंभिक संतुलन अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो थर्ड केस, अति अवमंदन स्थिति, यानी जब आर की वैल्यू ओमेगा जीरो से बड़ी हो, दिस इज कॉल्ड ओवर डैम्प्ड केस। तो दोलक पर कार्यशील अवमंदन बल का मान प्रत्यारण बल की अपेक्षा अधिक हो तो आर इज ग्रेटर देन ओमेगा जीरो होता है। स्थिति में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर का मान धनात्मक होगा। माना अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर दिस इक्वल टू गामा, तो एक्स का मान हो जाएगा ई रेस टू पावर आर टी इंटू कैपिटल ए ई रेस टू गामा टी प्लस कैपिटल बी इंटू ई रेस टू पावर माइनस गामा टी। तो एक्स का मान हो जाएगा एक्स इक्वल टू ई रेस टू माइनस आर टी ए प्लस बी ई रेस टू गामा टी प्लस ई रेस टू पावर माइनस गामा टी अपॉन टू प्लस ए माइनस बी इंटू ई रेस टू पावर गामा टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस गामा टी अपॉन टू, या एक्स इक्वल टू ई रेस टू माइनस आर टी ए प्लस बी हाइपरबोलिक कॉस गामा टी प्लस ए माइनस बी हाइपरबोलिक साइन गामा टी। और यदि अपन मान लें कि ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स जीरो हाइपरबोलिक साइन साई और ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स जीरो हाइपरबोलिक कॉस साई, तो एक्स का मान हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर टी हाइपरबोलिक साइन गामा टी प्लस वाई। इस समीकरण से अपन कह सकते हैं कि अति अवमंदन की स्थिति में विस्थापन चर घनता की एक्सपोनेंशियली रूप से कम होता है, अर्थात दोलक की दोलनी गति नहीं होती है। इस प्रकार की गति को रुद्धदोल यानी डेड बीट या अदोलनी एपेरियोडिक कहते हैं। दैट्स ऑल।